नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। ये वो गीत है जो सुभाष चंद्र बोस की फौज INA में गाया जाता था और पूरा देश इस गीत से रोमांचित हो जाता था। आज भी ये गीत लोगों में देश प्रेम का ज्वार पैदा करता है। शायद अभी भी लोग तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा के नारे भूले नहीं होंगे। ये सब याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज हमारी आजादी के सबसे बड़े सितारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज हम सुभाष बाबू की जीवन गाथा आपको बता रहे हैं, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। सुभाष बाबू का जन्म 23 जनवरी 1897 उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री जानकी नाथ बोस और माताजी का नाम श्रीमती प्रभावती था। उनके पिता कटक के मशहूर वकील थे और कटक महापालिका के लंबे समय तक अध्यक्ष भी रहे। इसके साथ ही वो बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। उनके पिता चाहते थे कि सुभाष बाबू एक ICS अधिकारी बने। वो बचपन से बड़े कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे और पढ़ाई में सबसे आगे रहते थे। बोस जी के कक्षा में सबसे अधिक अंक लाने पर भी जब छात्रवृत्ति अंग्रेज बालक को मिली तो वो उखड़ गए। इस वजह से उन्होंने मिशनरी स्कूल को छोड़ दिया। उसी समय अरविंदो घोष जी ने बोस से कहा, हम में से प्रत्येक भारतीय को डायनेमो बनना चाहिए, जिससे कि हम में से एक भी कोई खड़ा हो जाए तो हमारे आसपास हजारों व्यक्ति प्रकाशमान हो जाएं। अरविंदो घोष के ये शब्द हर समय उनके दिमाग में घूमते थे। सुभाष चंद्र बोस की शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। बाद में वो उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए, जहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। सुभाष बाबू ने 1920 में ICS की परीक्षा पास की, लेकिन उनका देश प्रेमी मन अंग्रेजों की नौकरी करने को तैयार नहीं था। वो भारत वापस लौट गए और यहाँ आकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी की। भारत में वो गांधी जी से मिले। वो गांधी जी से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित थे। जैसे जैसे देश में अंग्रेजों का दमन चक्र बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे आजादी का आंदोलन भी पूरी वेग से बढ़ता जा रहा था। अंग्रेज इस बात से चिंतित होने लगे थे। उन्हें लगा आंदोलन में जो उग्र विचारों के नेता हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। बंगाल में आंदोलन के तीव्र होने के लिए वो सुभाष बाबू को दोषी मानते थे। इस बीच वो देशबंधु चितरंजन दास के समीप आए और सुभाष बाबू ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी। इस पर सरकार उन्हें 25 अक्टूबर 1924 को गिरफ्तार कर वर्मा के मांडली जेल भेज दिया, जहां से वो 1927 में रिहा होने के बाद कलकत्ता लौट गए। तब तक चितरंजन दास का स्वर्गवास हो चुका था, जिससे वो काफी निराश हुए। सुभाष बाबू के जीवन में और आजादी के आंदोलन में निर्णायक मोड़ तब आया जब 1941 में वो सरकार की आंखों में धूल झोंक कर काबुल और मॉस्को के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने अंग्रेज विरोधी शक्तियों से देश को आजाद कराने हेतु सहयोग लिया। इस बीच द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला बोल दिया। सुभाष बाबू इसे आजादी का एक अच्छा अवसर जानकर टोक्यो भी पहुंच गए और यहां आजादी समर्थकों की बागडोर अपने हाथों में ले लिया। 2 जुलाई को उन्होंने सिंगापुर में विशाल सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने आह्वान किया कि भारतीय आजादी की लड़ाई में साथ आएं। इसी दौरान उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया और साथ ही आजाद हिंद फौज भी गठित किया। उन्होंने अपनी सेना में महिलाओं को भी भर्ती किया। इसमें कैप्टन लक्ष्मी सहगल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया, जो इस बात का संकेत था कि देश को आजाद करने के लिए सब लोग खड़े हो जाएं। जापानियों के साथ आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च 1944 को कोहिमा इम्फॉल में अंग्रेजों की फौज से संघर्ष किया, लेकिन भीषण लड़ाई में अंग्रेजों की फौज जीत गई। हालांकि आजाद हिंद फौज
जीत नहीं पाई, लेकिन अंग्रेजों को एहसास हो गया कि इन परिस्थितियों में अब भारत पर राज करना मुश्किल है और अंततः 15 अगस्त 1947 को उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी दे दी। ऐसा माना जाता है कि सुभाष बाबू की मृत्यु ताइवान में एक विमान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन पक्के सबूत ना मिलने पर आज भी इस विषय पर मत भिन्नता है। हालांकि उनकी मृत्यु की सत्यता जानने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक और आने वाली पीढ़ियां देश को आजाद कराने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों की सदैव ऋणी रहेंगी। आज उनकी जयंती पर इस महान स्वतंत्रता सेनानी को पूरे राष्ट्र की ओर से नमन।